हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशी टॉपलिस से। आज मैं आपको बताने वाली हूँ दुनिया की टॉप 10 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज के बारे में। 10वें नंबर पे है ईरान। ईरान के टोटल न्यूक्लियर वेपन्स बताना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ईरान ने दुनिया की कुल न्यूक्लियर वेपन्स की लिस्ट में रास्ता बना ही लिया है। ईरान ने कुछ न्यूक्लियर वेपन्स खुद बनाए हैं और साथ ही अमेरिका के साथ न्यूक्लियर वेपन्स डेवेस्टेशन एग्रीमेंट भी साइन किया है। 9वें नंबर पे है नॉर्थ कोरिया। 10 से भी कम न्यूक्लियर मिसाइल्स के साथ नॉर्थ कोरिया 9वें नंबर पर है। 2006 में नॉर्थ कोरिया ने पहली बार न्यूक्लियर वेपन्स की एबिलिटी को टेस्ट किया था। 2009 और 2013 में इन्होंने अपना दूसरा और तीसरा टेस्ट भी किया। 8वें नंबर पे है इसराइल। ये एक बहुत ही पॉपुलर कंट्री है, पॉजिटिव मैनर्स के लिए नहीं, इसके अनफ्रेंडली और एग्रेसिव पड़ोसी मुल्कों की वजह से ये कई देशों द्वारा नापसंद किया हुआ देश है। 7वें नंबर पे है इंडिया। इंडिया के टोटल के 100 न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं और इंडिया को रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डिफेंस के हिसाब से इंडिया ने रशिया से थर्ड मोस्ट वेपन्स खरीदे हैं। इनके कई न्यूक्लियर वेपन्स फेल भी हुए हैं। 6ठे नंबर पे है पाकिस्तान। इस देश के टोटल 120 न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। पाकिस्तान ने 1992 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। इनके पास ज्यादा वेपन्स होने से इनका डिफेंस और भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाता है। 5वें नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल लंदन है, जिसे फाइनेंशियल सेंटर भी माना जाता है। इनके पास टोटल के 225 न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। इस देश ने न्यूक्लियर वेपन्स की दुनिया में 1956 में कदम रखा, जब इन्होंने अपना न्यूक्लियर पावर स्टेशन खोला। 4ठे नंबर पे है चाइना। चाइना को इमर्जिंग सुपर पावर माना जाता है, क्योंकि इनके पास 250 न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो या हाईएस्ट न्यूक्लियर वेपन्स, इस देश ने बहुत सफलता हासिल की है। चाइना ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, जिसमें ये तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक कोई दूसरा देश इन पर अटैक ना करे। 3rd नंबर पे है फ्रांस। फ्रांस के टोटल के 300 न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। इन्होंने अपना लास्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1996 में किया, CTBT यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ज्वाइन करने से पहले। ये कंट्री बहुत ही लोकप्रिय है, पर कई टेररिस्ट अटैक्स भी झेलती हैं, जिसकी वजह से इसे पावरफुल डिफेंस की बहुत ज़रूरत है। 2rd नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स के टोटल 7,200 से 7,700 न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। इस देश की सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड आर्मी होने के साथ बेस्ट वेपन्स भी हैं। इस देश के बाकी सब देशों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा SLBMS और ICBMS हैं, और साथ ही में इसकी चाइना और रशिया और साथ ही पाकिस्तान के साथ दुश्मनी होने की वजह से ये दुनिया की मोस्ट हेटेड कंट्री मानी जाती है। और पहले नंबर पे है रशिया। रशिया के पास 8,500 न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। इस देश को बेस्ट क्वालिटी वेपन्स और एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है। रशिया को लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेपन्स माना गया है, जिसकी वजह से दुनिया की सुपर पावर कंट्री में ये नंबर 1 पर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।